आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि अभी अपनी कहानी, अपनी लव स्टोरी सुनाने के लिए कौन सा ऐसा कपल है जिसको आज हमने दावत दी है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रोज कोई ऐसा कपल आए या कोई ऐसा सेलेब्रिटी आए जिसकी कहानी आपने पहले सुनी ना हो। और ये जो कपल है जो आज आप जिनको देखेंगे, इनकी बहुत सारी छोटी छोटी क्यूट क्यूट पिक्चर्स एंड वीडियोस वायरल होती रहती हैं। अच्छा, कपल की नहीं बल्कि मियाँ बीवी और उनकी बेटी की, इन तीनों की बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ क्लिप्स में वायरल होती रहती हैं। सो आज मैंने कहा चलें इनको बुलाते हैं और इनकी कहानी पूछते हैं कि इनकी कहानी क्या है, इनकी आपस में मिलने की कहानी, इनकी लव स्टोरी क्या है, और लव स्टोरी है भी या बनाई गई है, अरेंज की गई है ये लव स्टोरी। सो मैं आपकी मुलाकात अपने शो में पहले एज सेलिब्रिटी गेस्ट तो करवा चुकी हूँ इनसे, इनके बारे में जान चुकी हूँ, लेकिन आज ये अपनी वाइफ और अपनी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया के साथ हमारे शो पर मौजूद हैं। तो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर and Mrs. Junaid Jamshed Khan Niazi with Izza Junaid aur inki wife Shajia. Assalamu alaikum. Kaisi hai Shajia? Thank you so much for coming. Thank you for having me. Thank you. Ye to hamari bhabhi hogi na, show mein baat Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you so much for coming. You are super cute. Mashallah se. Come here, idhar ji. इज़ा बैठो, इज़ा के लिए सारे टॉयज रखे हुए है ना। लोग कह रहे हो कि ये कहानी सुनो वीक में टॉयज और ये सब का क्या काम, तो इसमें कहानी इज़ा भी सुनाएंगी ना, क्योंकि अब कहानी का हिस्सा इज़ा भी बन चुकी है। इज़ा भी बन चुकी है, बिल्कुल सही है। कैसी है इज़ा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? अल्लाह कितनी अच्छी डॉल है, मुझे दे दो। आप भी तो डॉल हैं अपनी मम्मा डैडी। Yeah, you can share, you can share. Yeah, she loves sharing. अच्छा, जुनैद के बारे में तो सब जानते हैं, जाहिर है उनको हम ड्रामों में देख रहे हैं, अलग अलग ड्रामों में जुनैद नजर आए हमें, परिस्तान में, सिंफे आहन में, हसरत, सरे राह, और अभी और रीसेंट क्या कर रहे हैं जुनैद? अभी एक आई ड्रीम का प्रोजेक्ट कर रहा हूं मैं। अच्छा, और अभी इंशाल्लाह ईद के बाद वो ऑन एयर होगा। हां हां, रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, और अभी ऑन एयर है सरे राह। आपको ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन माशाल्लाह बहुत सारा काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जितना भी काम कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे खुशी इस बात की हुई कि मुझे जब पता चला कि लाइक जुनैद और उनकी वाइफ यहाँ हमारे साथ, मतलब हम लोगों ने लाइन अप किया, तो मुझे फिर शिजा के बारे में, सजिया मैं इज़ा और सजिया, इट्स ओके, मेरा नाम जो है ना वैसे भी जब सजिया का मुश्किल नाम है, तो मुझे सजिया का भी पता चला कि शजिया इज जस्ट नॉट अ हाउसवाइफ, बल्कि प्रोग्राम होस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, और वाओ, जर्नलिज्म तो बड़ा एक कहते हैं ना दिल गुर्दे का और धांसू काम है, मतलब इट्स बीन लाइक बहुत मेहनत वाला काम है, निडर होने वाला काम है। ऐसा ही है, 10 साल तकरीबन हो रहे हैं मुझे इस फील्ड में। हाँ जी, पहले मैंने प्रिंस स्टार्ट किया और फिर मैंने जियो में मैंने अच्छा। पहला प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया, वहाँ पे मैंने कोई 5-7 साल मैंने वहाँ काम किया, अपना प्रोग्राम किया। देन आई स्विच्ड टू अनदर चैनल्स, फाइनली मैं एक और चैनल में काम कर रही हूँ, अपना प्रोग्राम कर रही हूँ। जबरदस्त भैया। सो जुनैद जब लास्ट टाइम मेरे पास आए थे शो पे, तो उन्होंने बस इतना सा मुझे बताया था कि जुनैद ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए थे, अब्बा का फोन आया, लड़की ढूंढ ली है, जुनैद ने कहा जो आपका हुक्म। अच्छा, मैं आपको बताऊं, तो क्या ये कहानी सच्ची है? नहीं नहीं, बिल्कुल सच्ची है। अच्छा, इनके अब्बा ने देखा भी, ऑल्दो वी बिलोंग टू सेम एरिया, हम पीछे सेम हमारा है, बिकॉज हम न्याजी हैं, मियांवाली से हैं। अच्छा, तो वो फैमिलीज तो जानते थे, बट इस तरह का कोई डायरेक्ट कुतर ना कि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो फैमिलीज के साथ, वो नहीं था। अच्छा, ये लोग कराची रहते थे, तो ये इनके अब्बा ने देखा मुझे स्क्रीन पे, टीवी पे, इन माय प्रोग्राम, एंड ही वाज लाइक ये कौन सी नियाजी है, तो ये तो कहां पे, उन्होंने पता किया, तो अब्बा न्यूज वगैरह देखते हैं, अम्माएं देखती हैं मॉर्निंग शो और ये सब चीजें, लेकिन अब्बा जो है, तो वो मैं कहूंगी कि जो मेरा करियर है ना, वो जस्ट प्लेड अ रोल इन दिस। वाओ, दैट्स सुपर क्यूट। या